सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियों से बनाए रखे संवाद माननीय प्रभारी मंत्री श्री धर्मपाल सिंह आज विकास भवन सभागार में माननीय मंत्री पशुधन और दुग्ध विकास राजनैतिक पेंशन अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ और नागरिक सुरक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रभारी मंत्री श्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा जिला गन्ना अधिकारी से किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए सभी किसानों को गन्ना मूल्य का शीघ्र भुगतान कराए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जिन चीनी मिलों पर अभी किसानों का बकाया है उन पर सख्त कार्यवाही करते हुए किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने गन्ना तौल केंद्र पर घटतौली से संबंधित हुई कार्यवाही के बारे में जिला गन्ना अधिकारी से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से विभाग की योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखा। उन्होंने कहा कि निराश्रित गौवंश के लिए गौ आश्रय स्थल बनाने की दिशा में कार्य करें, कृत्रिम गर्भधान और वधियाकरण कराए जाने के संबंध में क्या प्रगति हुई है। उत्तर प्रदेश में गंगा राज माफिया राज समाप्त हुआ, भयमुक्त दंगा रहित कानून का राज स्थापित हुआ अथवा राम राज स्थापित हुआ। 175 दुर्दांत अपराधी मुठभेड़ में मारे गए तथा 4,808 घायल हुए और 15,885 इनामी अपराधियों को जेल भेजने का काम किया गया। 1,64,000 से अधिक पदों पर पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई। बीमैन पावर लाइन 1,090, जीआरपी फायर सर्विस और महिला हेल्पलाइन 181 सेवा का एकीकरण किया गया। 1,518 थानों में 15,130 महिला पुलिस कर्मियों की मृत्यु हुई। 10,378 महिला बीट आवंटित की गई। 2,02,086 करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। पीएम जिला सम्मान निधि में 2,60,00,000 किसानों को ₹52,190 करोड़ रुपए का हस्तांतरित किया गया। 61,270,00,000 फसली ऋण वितरित किए गए। 2,87,00,000 पशुओं का टीकाकरण किया गया। निराश्रित गौवंश को संरक्षण हेतु 6,484 गौ आश्रय स्थल बनाए गए। इनमें अपडेट मीडिया के लिए मेरठ से पारुल गुप्ता की रिपोर्ट।